जीवों में जो परिवहन होता है वह किस प्रकार होता है, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी पेड़ पौधों की बात जरूर हम करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें जो विकसित पूरा परिवहन तंत्र पढ़ना है वह ह्यूमन या जिसको हम बोलते हैं कि मानव परिवहन तंत्र के ऊपर हमें बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे पेड़ पौधों की भी कर लेते हैं। हमने नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छे से इस बात को समझाया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें भी परिवहन होता है, क्योंकि इनके शरीर में भी विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस होती है या जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं उसके लिए इनको कुछ आवश्यक पदार्थों की जरूरत होती है। तो इनके शरीर में अगर पौधा एक कोशिकीय है, जैसे हम क्लेमाइडोमोनास या एल्गी की हम बात करें, तो इसमें तो यह मिश्रण विधि के द्वारा यह क्रिया हो जाती है। लेकिन पौधा बहुत बड़ा है या इसको बोल सकते हैं कि हम यह बहुकोशिकीय पौधा है जो आकार में बड़ा हो, तो इनमें विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थों की सप्लाई कैसे होगी और वेस्ट पदार्थों को इनसे बाहर किस प्रकार से निकाला जाए, तो इसमें भी एक परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। और यह जो कार्य ये कोशिकाएं जो कार्य करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, संवहन बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन बंडल। ये संवहन बंडल कौन से होते हैं? हमने बात करी थी कि जो संवहन बंडल होते हैं यहां पे जो जटिल स्थायी ऊतक हमारे थे कौन से थे? जाइलम और फ्लोयम। ये हमने नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छे टिश्यू जब पढ़ते प्लांट का टिश्यू फ्लोयम, तो इनके बारे में हमने बहुत सारी इनके स्ट्रक्चर को देखा था और इनके कार्य को भी हमने देखा था। तो पौधों में जो जटिल पौधे होते हैं या जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन जो होता है उसके लिए जाइलम तथा फ्लोयम यह जटिल स्थायी ऊतक के द्वारा यह काम होता है, और जिसको यह काम परिवहन का काम करते हैं इसलिए इनको संवहन मंडल भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि यह किस प्रकार से पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। यह पौधे के अंदर जो जड़े होती है उस जड़ों से विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को जैसे पानी खनिज लवण को यह जड़ों से पोषण होकर कहां तक पहुंचाता है? यहां से पत्तियों तक पहुंचाने का यह काम करता है। यहां पे क्या होगी? जड़ जड़ के द्वारा क्या करते हैं ये लवण पानी और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो यहां से यहां तक पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। उसी प्रकार जो फ्लोएम होता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो यहां पे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है उन कार्बनिक पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? यह फ्लोएम करता है। तो इस प्रकार पौधों में भी यह तंत्र विकसित होता है। इसकी हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम इसके बाद जो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मानव परिवहन तंत्र। अब हम जंतुओं में परिवहन की बात कर लेते हैं कि जंतुओं में परिवहन किस प्रकार होता है। जंतुओं में परिवहन, हमने पौधों की थोड़ी सी बात कर ली थी कि पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है। वहां पे कुछ संवहन ऊतक मिलके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करते हैं। उसी प्रकार जंतुओं में भी एक तंत्र विकसित होता है जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो जंतु में कई प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है और उपापचय क्रियाओं के दौरान उनको कई पदार्थों की आवश्यकता होती है और कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार जंतुओं में भी इन पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कुछ तंत्र विकसित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानता हूं कि जंतुओं में जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ
हार्मोन्स और खनिज लवण, उसी प्रकार से कई अमीनो अम्ल की हम बात कर सकते हैं, या कुछ उत्सर्जी पदार्थों की बात कर सकते हैं। उत्सर्जी पदार्थ, पोषक पदार्थ में वो सभी आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि इसमें आ सकते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सभी पदार्थ शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि इनकी आवश्यकता यदि कोशिका में है तो इनको हमें कोशिका तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक है तो वह इस रुधिर के माध्यम से कोशिका तक पहुंचती है। उसी प्रकार पोषक पदार्थ वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का जो पाचन होता है तो इसके दौरान वसीय अम्ल, ग्लूकोज और अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल जिसको हम कहते हैं, इनको कोशिका तक पहुंचाने का काम। हार्मोन यह भी रुधिर में होते हैं, खनिज लवण ये भी रुधिर के माध्यम से परिवहन होते हैं, और इन उपापचय क्रियाओं के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थ जैसे नाइट्रोजनस पदार्थ। इनको शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उनमें एक तंत्र विकसित होता है जिसको हम रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। तो रुधिर परिवहन तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, रुधिर उच्च श्रेणी के जीवों में जो रुधिर परिवहन तंत्र होता है यह इसके तीन अवयव होते हैं। कौन से होते हैं? पहला तो होता है इसमें रुधिर, दूसरा होता है रक्त नलिका या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रक्तवाहिनी, रक्त वाहनिया, और इसी के साथ में तीसरा होता है हृदय। तो इसके माध्यम से एक पूरा तंत्र बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र। तो इसका निर्माण जो होता है किसके किसके द्वारा होता है, रुधिर, रक्तवाहिनियां और हृदय। तो हृदय जो होता है इन जीवों में मुख्य जिसको कि परिवहन तंत्र कहते हैं, यह एक पंपिंग आर्गन होता है और उसके द्वारा यह रुधिर जो है विभिन्न प्रकार के रक्तवाहिनियों के द्वारा यह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और उसमें कई सारे आवश्यक पदार्थ जो होते हैं कोशिकाओं के लिए वह उसमें उपस्थित होते हैं। तो यह कोशिकाओं तक उनकी सप्लाई करता है तथा उपापचय क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वहां से यह इसको बाहर निकालने का काम करता है। इसी प्रकार इस रक्त परिवहन तंत्र के अलावा एक तंत्र और विकसित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लसिका तंत्र। लसिका तंत्र का आपने नाम सुना ही होगा कि लसिका, या जिसको हम लिम्फ सिस्टम बोलते हैं, लसिका तंत्र। तो यह दो प्रकार के सिस्टम जीवों में विकसित होते हैं। तो हम प्रमुख रूप से यहां पे अब रक्त परिवहन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो अब हम यहां पे देखेंगे कि रक्त परिवहन तंत्र में प्रमुख क्या क्या चीजें आती है। तो पहले हम थोड़ा सा रुधिर का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम हृदय को समझेंगे। हम थोड़ी रुधिर की संरचना को जरूर समझना चाहेंगे क्योंकि जो परिवहन का मुख्य जो अवयव होता है जिसके माध्यम से विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है वह रुधिर ही होता है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि रुधिर जो होता है यह प्रमुख इसके दो अवयव होते हैं। पहला जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है रक्त कणिका होती है, रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं और एक प्लाज्मा। तो रुधिर में जो प्लाज्मा होता है इसका लगभग 55% भाग यह रुधिर के 55% भाग का निर्माण करता है और इसमें 90% जो होता है पानी होता है। तो प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के
जितने भी पोषक पदार्थ, जैसे इसमें प्रोटीन होता है, इसमें खनिज लवण होता है, या ये मैं बोल सकता हूं कि यह रुधिर का एक छन्नित भाग होता है प्लाज्मा, जो कि एकदम तरल और पारदर्शी प्रकार का यह होता है। इसमें प्रोटीन पाया जा सकता है, इसमें खनिज लवण पाए जा सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह प्लाज्मा का निर्माण करता है। और दूसरा भाग जो होता है, यह करीब रुधिर के 45% भाग का निर्माण करता है। इसमें तीन प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसको कि हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यह तीन प्रकार की कणिकाओं से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। आरबीसी, जिसको कि हम लाल रक्त कणिका भी कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं में एक पदार्थ होता है जिसको कि हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है वह लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमो का मतलब क्या होता है, आयरन होता है। यह आयरन तथा प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसकी जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में यह पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी, यह इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या इसको हम श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इनका संबंध जो होता है, यह विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। तो और प्लेटलेट जो होती है, यह हमारे रुधिर का जो थक्का बनता है, हमें चोट लग जाती है उस समय खून बहता है, तो उस खून का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स जरूरी होती है। तो यह रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। तो गैसों का आदान प्रदान अगर हम बात करें, तो उसमें हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है, और विभिन्न प्रकार के पाचक पदार्थों, या जिसको हम पोषक पदार्थ कहते हैं, इनका परिवहन इस प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो इन रुधिर के इन दो अवयवों के द्वारा हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं हम रक्त परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? रक्त परिवहन परिवहन तंत्र। तो इस रक्त परिवहन तंत्र में इस रुधिर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि माध्यम जो होता है वह रुधिर ही होता है, और रुधिर हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण का निर्माण करता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर या तापमान का नियमन करता है, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों, या ये बोल सकता है कि वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, शरीर का आंतरिक वातावरण का यह निर्माण करता है। तो रुधिर इस प्रकार से हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है।